बिस्मिल्लाह रहमान रहीम या गना बदो या गनस्ताइन। मैं आप सबका इस शानदार इस्तकबाल का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं अपने ताजरों का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये लगता है कि ताजरों के लिए भी डीजल महंगा हो गया है। अच्छा, मैं सबसे पहले बस 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 सुन ले मेरी बात। दूर से आया हूं अपने ताजरों से बात करने के लिए, और ताजर मैं आज खास तौर पे अपने लाहौर के ताजरों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जब शौकत खानम के लिए मैंने पैसे इकट्ठे करने थे तो मेरे लाहौर के ताजर और स्कूल के बच्चों ने मेरी मदद की, मैं कभी ये भूलूंगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, माशाल्लाह बड़ा जुनून है मेरे ताजरों में, माशाल्लाह। अच्छा, मैं भी शुक्रिया। बस बस लगता है कि मेरे ताजरों को फजल रहमान से खास प्यार है। उसको प्यार में मेरे ताजर फजल रहमान को प्यार में डीजल कहते हैं। अच्छा जी, सुने जरा, सुने सुने, खामोशी खामोशी खामोशी, सुन ले। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले मैं आज अपने ताजरों को जो खास पैगाम देना चाहता हूं कि मैं पाकिस्तान की हकीकी आजादी के लिए मैं मैदान में निकला हूं और सारे पाकिस्तान में निकला हूं। मुझे आपकी जरूरत है, आपने मेरे साथ खड़ा होना है। मेरे ताजरों, आप जब भी कोई मुल्क पे मुश्किल आती है सबसे पहले हमारी ताजरों की बरादरी सामने आती है मुल्क की मदद करने के लिए। ये जो वक्त है कि बैरूनी साजिश के तहत पाकिस्तान के बड़े बड़े डाकुओं को हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया है, इसकी कोई मिसाल नहीं कि एक मुल्क की कैबिनेट बनती है और 60% जो कैबिनेट के अंदर वजीर बैठते हैं वो जमानत पे होते हैं,
करप्शन के केसेस की जमानत पे, और इसकी भी कोई मिसाल नहीं कि एक मुल्क के अंदर एक असेंबली जो के लोटों को साथ मिला के जमीन खरीद के 20-25 करोड़ रुपया दे के एक हुकूमत को गिराते हैं और एक चोरों की हुकूमत ला के असेंबली से बिल पास करते हैं। 11 नैब की जो ये अमेंडमेंट करते हैं, मेरे ताजरों ये जरा गौर से सुने, 1100 अरब रुपया अपना चोरी का माफ करवाते हैं। पहले मुशर्रफ से एनआरओ लेते हैं और अब आके दूसरा एनआरओ लेते हैं जो इस कौम को 1100 रुपए का नुकसान होता है। कौम की करप्शन का पैसा 10 साल ये मुशर्रफ एनआरओ देता है, सारे केसेस खत्म। 8 और 18 के बीच में ये 10 साल हुकूमत करते हैं, चोरी करते हैं, चोरी करके सारे केसेस जो इनके 1100 अरब रुपए के केसेस हैं, फिर असेंबली में आते हैं। अच्छा जी, तो इसलिए मेरे ताजरों आज आपकी जरूरत इसलिए कि सबसे पहले एक मुल्क के ऊपर करप्ट लोगों को मुसल्लत किया गया, उन्होंने अपने करप्शन के केसेस खत्म किए, लेकिन उससे बड़ी बात कि जो भी हमाद अजहर ने आपको तफसील में बताया कि 17 साल के बाद पाकिस्तान की जो मईशत थी, जो हमारी मुल्क की इकोनॉमी थी, वो तीसरे साल में 5.6% पे बढ़ रही थी और चौथे साल पे 6% पे बढ़ रही थी। 17 साल के बाद हमारी इकोनॉमी बढ़ रही थी। वर्ल्ड बैंक कहता है कि सारे बड़े सगीर में कोरोना के बाद पाकिस्तान वो मुल्क था जिधर सबसे ज्यादा रोजगार हमारी हुकूमत ने दिया, हिंदुस्तान से भी ज्यादा, बांग्लादेश, सारे बड़े सगीर में, क्योंकि नौकरियां जब मुल्क की इकोनॉमी बढ़ती है, इंडस्ट्री बढ़ती है, किसानों की हमने मदद की, चार फसलों में रिकॉर्ड पैदावार। और ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे जो इस हुकूमत ने पब्लिश की थी, उसके मुताबिक कि ग्रोथ रेट भी ऊपर, इकोनॉमी 6% पे ऊपर, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 11% पे ग्रो कर रही थी, हमारा टैक्स कलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड,
6100 अरब, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 32 अरब रिकॉर्ड, ओवरसीज पाकिस्तान की जो रेमिटेंसेस थी, जो डॉलर अंदर आ रहा था 19 अरब से हम 31 अरब पे लेके गए रिकॉर्ड। और ये सब कुछ मैं अर्ज, और ये सब ये तब हो रहा था जब हमें इकोनॉमी मिली। जरा ये भी सुन लें, ये शहबाज शरीफ कहता है कि जी बारूदी सुरंगें छोड़ के गए, मिफ्ता मैं भी चेरी ब्लॉसम पे भी आता हूं, तो कहता बारूदी सुरंगें छोड़ के गए। अब आप ताजर हैं, आप ये चीज समझेंगे। ए बस बस बस, अच्छा सुने, ताजर ये चीज समझेंगे। हमारा हमें जब हुकूमत मिली तो जो बैरूनी खसारा था, जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, 20 अरब डॉलर का हमारी इनकी जो आमदनी थी, रिमिटेंसेस 19 अरब, एक्सपोर्ट 24 अरब, 43 अरब डॉलर आमदनी और 20 अरब डॉलर का खसारा छोड़ के गया। ये जो इसहाक डार मफरूर अब वापस आ रहा है। और एक मिनट अभी सुन लो, उसके अलावा इनके दौर में तेल आलमी मंडी में आधी कीमत पे था। हमें असल जो हमें डॉलरों की कमी क्यों होती है, क्योंकि जब तेल दुगना हो गया तो हमारी इंपोर्ट बढ़ गई और उसकी वजह से हमारे पास जो करंट अकाउंट जो तो खसारे में चला जाता है। तो इनके दौर में आधी कीमत पे तेल था आलमी मंडी पे, उसके बावजूद 20 अरब डॉलर का खसारा छोड़ के गया और टोटल डॉलर जो अंदर आ रहा था वो 43 अरब और खसारा 20 अरब। हम जब छोड़ के गए, जरा ये बड़ा जरूरी है समझना आपका, कि ये तो इकोनॉमी की रिपोर्ट मैंने आपको दे दी, लेकिन हमारे दौर में डेफिसिट 16 अरब डॉलर का था, लेकिन हमारी आमदनी, हम इनकी आमदनी थी 43 अरब डॉलर, हमारी आमदनी थी 63 अरब डॉलर, 20 अरब डॉलर ज्यादा थी। हमारे दौर में इंटरनेशनल मार्केट में तेल 103 डॉलर से 115 डॉलर तक गया, आज 90 डॉलर का तेल बिक रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। हमारे दौर में जब 103 डॉलर का तेल था, डीजल और पेट्रोल की कीमतें 150 रुपया लीटर थी, 150 रुपया लीटर थी, आज 250 रुपये लीटर है, जबकि 10 डॉलर आलमी मंडी में तेल नीचे आ चुका है। हम जब इन्होंने अदम एतमाद की तहरीक की तो डॉलर 178 रुपए का था, रिजर्व्स हमारे 16 अरब रुपए के थे, जब ये छोड़ के गए थे रिजर्व्स 9 अरब रुपए के थे, 16 अरब रुपए के रिजर्व थे जब अदम एतमाद की तहरीक आई, और डॉलर 178 रुपए का था, आज डॉलर 240 रुपए, आज हमारे रिजर्व्स गिर के 8 अरब डॉलर पे, आज डीजल 250 रुपए का है। हम जब थे बिजली 16 रुपए यूनिट थी, आज बिजली 45 रुपए यूनिट टैक्सेस के बगैर है।
तो मैं आज सवाल पूछता हूं कि ये जो साजिश करके तुमने हुकूमत कराई थी और ये कह के कि जी बहुत महंगाई थी, आज 50 साल की महंगाई का रिकॉर्ड टूट गया है। 50 साल के बाद सबसे ज्यादा महंगाई है। और आज आपने पता नहीं कितनों ने आपने देखा कि शहबाज शरीफ अभी न्यूयॉर्क में एक मिनट सुनो न्यूयॉर्क में एक इंटरव्यू दे रहा है, एक खातून को इंटरव्यू दे रहा है। अगर के स्क्रीन होती मैं आपको वो दिखाता, आपको भी उतनी शर्म आनी थी जितनी मुझे आई। वो खातून इंटरव्यू कर रही है, उसे कहता मेरे ताजरो, उसे कहता खुदा के वास्ते हमें पैसा दे दो नहीं तो हम तबाह हो जाएंगे। वो एक एंकर थी, वो भी हक्की पक्की रह गई कि मुल्क का वजीर आजम मेरे से कह रहे हैं कि पैसे दिलवा दो मुझे। शहबाज शरीफ वो गोरी चमड़ी से इतना वो खौफ जदा है कि उसने एंकर से ही पैसे मांगने शुरू कर दिए। वो गोरा देखता है उसको डॉलर नजर आने शुरू हो जाते हैं। उसने वो यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल वो एंटोनियो गुटरेस जो आया, जो यूएन का सेक्रेटरी जनरल, आपने पता नहीं वो देखा या नहीं, बाजू पकड़ लिया। उसे कहता कि देखो अगर तुमने हमें पैसे दिए तो सामने कैबिनेट बैठी हुई थी, कहता ये देखो मेरी कैबिनेट भी सामने बैठी है, मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने पैसे दिए तो हम चोरी नहीं करेंगे। तो अच्छा, और ताजरो आपने वो देखा, वो जो ऑडियो लीक आई है, वो जो शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक निकलाई है, उसमें वो क्या कह रहा है, कहता है मरियम का जो दामाद है वो हिंदुस्तान से ये बिजली बनाने वाली मशीनरी बुला रहा है, मंगवा रहा है। तो उसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहता है ये तो नाजायज है, हमने तो ट्रेड बंद की हुई है, क्योंकि मेरे जमाने में हमने हिंदुस्तान से इसलिए तजारत बंद की थी क्योंकि उन्होंने कश्मीरियों का हक था। उन्होंने यूएन की सेक्रेटरी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन की खिलाफ वर्जी करके कश्मीरियों का स्टेटस ले लिया था। 5 अगस्त 2019। तो पहले तो नाजायज जब बैन की हुई है इंपोर्ट हिंदुस्तान से, मरियम का दामाद मशीनरी इंपोर्ट कर रहा है और फिर कहता है कि अच्छा कोई और तरीका निकालेंगे कि किसी तरह हिंदुस्तान से ना आए, किसी और मुल्क के जरिए आ जाए। और मरियम को समझा दो क्योंकि मरियम शहजादी है, मैं जो मर्जी चाहे कर सकती हूं, कानून से ऊपर है। और आप सबको पता है कि मरियम बेचारी लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी बेचारी की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो बहरहाल उसके बाद एक और चीज नजर आती है, इलेक्शन कमिश्नर मक्कार आदमी, अब साबित होता है कि ये शरीफ खानदान का नौकर है, उसको हुक्म कर रहे हैं कि किन कितने हलकों पे इलेक्शन करवाने और रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करनी है। अभी और भी चीजें निकलेंगी, अभी आपको पता चलेगा कि ये जो ऊपर बैठे हुए हैं ये इस मुल्क के फायदे करवाने के लिए नहीं आए,
अपनी चोरी खत्म करने के लिए और पैसा बनाने के लिए, इनके सिर्फ दो मकसद है। और जब मुश्किल पड़ेगी सब बाहर भाग जाएंगे। शहबाज शरीफ के दोनों बेटे बाहर, नवाज शरीफ के दोनों बेटे बाहर, इसहाक डार के दोनों बेटे बाहर। चोरी यहां से करो, बेटों को पैसा भिजवा दो। और बेटे कहें जी हम पाकिस्तान के शहरी नहीं है, ये इनका तरीका है। तो ताजरो, आप सब तैयार हो जाओ। मैं इनके खिलाफ हकीकी आजादी के लिए जहाद लड़ूंगा, सड़कों पर लड़ूंगा, कभी इनको तस्लीम नहीं करूंगा। और जब भी मैं आपको कॉल दूं, आपने मेरे से वादा करना है, वादा करें मेरे से, वादा करें, सबने मेरे से वादा करना है कि अपने मुल्क की खातर, अपने मुल्क के मुस्तकबल की खातर, अपने बच्चों की मुस्तकबल की खातर, आपने सबने मेरे से वादा करना है कि जब मैं आपको कॉल दूंगा, आपने मेरी कॉल पे अपनी कौम को इन चोरों से, इन डाकुओं से बचाने के लिए निकलना। हाथ खड़ा करके बताएं मुझे। पाकिस्तान जिंदाबाद।